हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है वापस से आपका मेरे चैनल घुमक्कड़ में। तो भाई, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 300 साल पुराने शिव मंदिर की। वैसे तो माना जाता है कि ये मंदिर शापित है और यहाँ पर कोई भी पूजा करने नहीं आता है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ कोई जल चढ़ाने जाए या ना जाए, लेकिन स्वयं माँ गंगा शिव जी को जलाभिषेक करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर लोग पूजा करने नहीं जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये मंदिर शापित है और यहाँ पूजा करने वाले को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और साथ ही इसका नाम क्या है। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो अभी से इसे लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैं अपने साथ देश विदेश दोनों घुमाने वाली हूँ। तो वापस से आते हैं मंदिर पर। इस मंदिर का नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। बहुत सारे लोग इसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि काशी करवट मैंने इसका नाम लिया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मंदिर लोकेटेड है काशी यानी बनारस में। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप फ्रेम में देख सकते हैं, आपको मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है और यहाँ घाट से पैदल चलते हुए आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। यानी ये मंदिर है मणिकर्णिका घाट के पास में। अपनी बनारस से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपने चैनल पर पहले भी डाली हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। पानी में डूबा हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो टूरिस्ट बोटिंग कर रहे हों वो इस मंदिर को ना देखें। और भाई, मंदिर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है इसका झुकाव। जी हाँ, लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज़्यादा झुका हुआ ये मंदिर 9 डिग्री पर टिल्ट है, यानी झुका हुआ है। और सालों से ये मंदिर इसी तरह से गंगा जी के जल में बना हुआ है। और जब मैंने बोट राइड की थी तब भी मैंने सोच लिया था कि भाई, इस मंदिर के अंदर तो मुझे जाकर देखना ही देखना है कि ये आखिर अंदर से कैसा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस मंदिर के अंदर जा पाई, क्योंकि ये मंदिर आपको जान के ताज्जुब होगा साल के कम से कम 8 महीने पानी में डूबा रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इसके बेस में पानी नहीं है, तो मैं आराम से इस मंदिर में जा पाई। और बहुत ही गर्मी थी जिस दिन मैं गई थी यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे टूरिस्ट इसकी छाया में बैठकर आराम कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पर आराम करते हुए मिलेंगे, ना कि आपको पूजा करते हुए। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का गर्भगृह है, और गर्भगृह एकदम खाली है, यहाँ कोई भी जन पूजा के लिए नहीं आता है। और सिर्फ यहाँ पर राहगीर या टूरिस्ट आते हैं जो कि धूप से बचने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर लेवल और जो इसका फ्लोर लेवल है वो एक है, और ये जो गर्भगृह है ये 10 फीट गहरे पर है, यानी ये फ्लोर से और ज़्यादा 10 फीट उतर के अंदर बना हुआ है। और यही रीज़न है कि जब गंगा जी में जल ज़्यादा होता है तो ये मंदिर इस तरह से पानी में डूबा रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर आधे से ज़्यादा इस समय पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। वैसे तो किसी को भी एग्जैक्टली इसका जो निर्माण का समय है वो नहीं पता है, लेकिन पुजारियों का मानना है कि 500 साल पहले राजा मानसिंह के एक अनाम नौकर ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए इसे बनवाया था। कहते हैं कि मंदिर को अपनी माँ का नाम देने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने अब आपका मात्र ऋण चुका दिया है। तो उसकी इस बात से ईश्वर ने नाराज़ होकर इस नौकर का घमंड तोड़ने के लिए इस मंदिर को झुका दिया और ये संदेश दिया कि मात्र ऋण से कभी भी कोई भी ऋण नहीं हो सकता, उसे कोई भी नहीं चुका सकता। सरकारी सूत्रों की अगर माने तो इस मंदिर को 1825 से लेके 1830 के बीच में बनवाया गया। जेम्स प्रिंसेप के बनाई हुई पिक्चर्स को भी देख के ये लगता है कि इसका निर्माण 1820 से 1830 के बीच में ही हुआ है। और इस मंदिर निर्माण के पीछे एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और उसके अनुसार इंदौर की रानी अहिल्याबाई की एक दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अहिल्याबाई से कुछ पैसे उधार लिए। और जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो अहिल्याबाई को ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन उन्होंने रत्नाबाई से कहा कि इस मंदिर को वो अपना नाम ना दे। लेकिन रत्नाबाई ने रानी की बात नहीं मानी और इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव नाम दे दिया। और जब रानी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस मंदिर को श्राप दिया कि ये मंदिर झुक जाए।
हालांकि अगर मैं इसे अपनी तरह से सोचूं तो मैं ये मान के चलती हूं कि एक रानी जो इतनी बड़ी शिव भक्ति, जिन्होंने जगह जगह शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, साथ ही बनारस में भी कितने घाटों का इन्होंने निर्माण करवाया है, वो एक शिव मंदिर को इस तरीके का श्राप नहीं दे सकती। और भूगर्भ वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो ये मंदिर गंगा के तट पर बने होने के कारण एक तरफ झुक रहा है, यानी इसका बेस स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से ये मंदिर लगातार झुक रहा है। और सच पूछो तो इस बात का मुझे पूरी तरीके से लॉजिकल भी लगता है। और बाकी आपको ये जो 3-4 कारण मैंने बताए हैं मंदिर झुकने के, इनमें से कौन सा रीज़न सही लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मंदिर के ऊपर ट्वीट किया था और इसका नाम और लोकेशन लिखी थी। तो मंदिर के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, आइए अब देखते हैं कि मंदिर अंदर से देखने में कैसा है। जब मैं मंदिर में अंदर जाके बैठी थी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून था और शायद इसीलिए मेरी तरह और भी टूरिस्ट यहाँ पर आके पहले से ही बैठे हुए थे। और इस मंदिर का जो ऊपरी भाग है, जो टॉप है, वो बहुत ही अमेजिंग है। जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस आप इसे देखते ही जाइए, एकदम पास पास बने हुए पिलर्स की तरह लगता है ये देखने में, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कैमरे में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यहाँ पर जो आप डैमेज देख रहे हैं, इस मंदिर के ऊपर एक बार बिजली गिरी थी, उसकी वजह से ये डैमेज हो गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि इस मंदिर के अंदर उस समय बहुत सारे टूरिस्ट भी थे बारिश से बचने के लिए, लेकिन उन लोगों को किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। जिस समय गंगा जी का जल इस मंदिर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद कुछ मंदिर देखने में इस तरीके का लगने लगता है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह सब चली जाती है। और जब पानी उतरता है, जल उतरता है, उसके बाद से वापस इसे क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्भगृह के अंदर तक सारा कुछ पानी और मिट्टी से अंदर तक बंद हो चुका है। आप देखिए, कुदरती तौर पे कहें, श्राप की वजह से कहें, किसी भी वजह से कहें, इस मंदिर का झुकाव इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मंदिर श्रापित है, इसलिए इसके अंदर कोई पूजा नहीं करता है। तो वास्तव में जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो इसके अंदर पूजा करने नहीं जाते हैं, और जो गर्भगृह है वो भी बंद ही रहता है। जब मैंने गर्भगृह के दर्शन किए थे तो मैंने भी बाहर से ही किए थे। कभी कभी इसके अंदर पूजा भी होती है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्भगृह देखने में किस तरीके का है। इसके गर्भगृह में छोटे छोटे कई सारे शिवलिंग बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसमें पूजा होती है तो ये देखने में किस प्रकार का लगता है। श्रापित होने के बाद में भी ये मंदिर बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो भी आप इसे देखे बिना नहीं रह पाएंगे, और एक बार आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप घाट पर आकर इस मंदिर के अंदर ज़रूर जाएं। अपने आप में ये मंदिर बहुत ही बड़ा अजूबा है। जब हम विदेशी टूरिस्ट स्पॉट्स को देखते हैं ना, तो हम बड़ा ताज्जुब लगता है कि ये इन्होंने कैसे बनाया होगा, लेकिन अगर आप एक बार अपने मंदिरों को ढंग से देखेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे कि किसने क्या चीज़ कैसे बनाई है। भाई, हमारे मंदिर इतने भव्य बने हुए हैं, इतनी बारीक उनके अंदर नक्काशी है कि देखते ही बनती है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोतीलाल अग्रवाल जी ने इस मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। और ये ही हमारे धर्म की, हमारे सनातन की बहुत बड़ी खूबी है कि लोग अपने बुज़ुर्गों के, अपने जो इतने भी बड़े लोग हैं उनके याद में इस तरीके का अच्छा काम करते हैं, ताकि जो हमारे धरोहर है वो भी संरक्षित रहे, साथ ही हमारे बड़ों को भी उसका पुण्य मिलता रहे। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारे से मंदिर रत्नेश्वर महादेव या फिर करवट काशी मंदिर के लिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे मंदिरों के बारे में जानकारी हो सके। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ अपने अगले डेस्टिनेशन पर। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग घुमक्कड़।